ये ले। क्या देख रहे हो? जितना बोला था उतना दे। जो दे रहा हूं वो ले लो। पहले बोला था 20 रुपए देंगे, अभी 10 रुपए देगा तो कैसे चलेगा? अरे चोरी करने वाले ही अगर न्याय बोलना शुरू करे। अंगूठी छापूंगा मैं, इसी के वजह से इतना बनाया ना तुम लोगों ने। अभी दूसरे तरह के चोरों की वजह से तो आज सरकार भी खड़ी है। चुपचाप ये 10 रुपए लेके चले जाओ यहाँ से। क्या कर लेगा तू? ए, जो मैं दे रहा हूँ वो तू लेगा। आजा बे साले, ये कौन है, तेरा आदमी है? हाँ। अरे भाई, तुम गरीबों के पेट में मार रहे हो, ये अच्छी बात है क्या? चल हट। अगर तुम्हारी जैसा मेरा बेटा हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ मेरे पैसे। कल हम सब आएंगे काम पे। हाँ, हाँ। आपका क्या हिसाब है? रात को देख लेंगे। कल ठीक से पैसा दे दे, जा चल निकल। ये मेरे 20 रुपए भाईजान, बाकी सबको दे देना। हाँ, हाँ। अभी सब खुश है ना? आग जल रही है, कच्चा लकड़ी दी है। ऐसे या फिर वैसे। हाँ हे भगवान, थोड़ी देर ऐसे ही जलते रहो, सब्जी भी नहीं काटा। कितने बड़ी खुली खिड़की है ये, चढ़ के अंदर जाता हूँ। भगवान जी, कोई शक मत करो, तुम्हारे घर पर आए हो, तुम्हारी बहन बेटी है यहाँ। अरे कस्तूरी,
मैं जितना भी दारू पी लूं स्टडी होके घर पहुंच जाऊंगा। हाँ, हिलते हिलते सीधे आग पर मत कूदना। पता होना चाहिए कि तुम्हारा भाई भूखे पेट घर आ रहा है, और अगर जरा दिमाग होता तो अब तक तुम्हारा खाना बन चुका होना चाहिए था। जवान लड़की में डोरिया डो डो कर सारी सड़कें घूमकर थोड़े थोड़े से पैसा जमा कर रही हो, तू तो पी रही हो और दिमाग के बारे में मुझसे बोल रही हो। बच्चे कुछ पी लेता हूँ, अब कर लीजिए आराम से। साले थू, गधे गधे, फेंकी हुई सिगरेट को जरा सा पी लेना, क्या खराब है। कोई पान चबा के थूकेगा उसको भी लेके मुंह में डाल देना, मेरी इज्जत जा रही है तुम्हारी वजह से। जो भी करे थोड़ी इज्जत से करे। रेस्पेक्ट। तूने कहा दुबई लेके जाऊंगा और उसके लिए अपनी जमीन जायदाद बेच कर सारे पैसे तेरे को देकर। तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया? मैंने एजेंट पे भरोसा किया, वो उसकी बीवी को लेके दुबई जाके सेटल हो गया। अल्लाह, और उसकी बीवी यहाँ थोड़ी रह सकती है? किसी और की बीवी को तुम्हें बहुत पसंद है। हम दोनों सड़कों में कुत्ते के जैसे घूम रहे हैं, हमें क्यों किसी और का परवाह है। अरे वो दुबई जाके सेटल हो गया मेरे पैसों से। छाती मत मार, हार्ट अटैक आ जाएगा। जो बोल रहा हूँ सुन, इधर आ मेरे साथ, जो खो गया पकड़ लेंगे। अच्छे कपड़े पहनकर ओपन कार में अपने गांव चलते हैं विथ हॉर्न। तब तक सिर्फ हॉर्न है। ऐसे ऐसे करने के लिए इतनी दूर आए हैं क्या? चल ये छोड़, हमें बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, हमें साथ में रहना होगा। इसमें कौन नाखून है और कौन मांस? तू ही नाखून है। नहीं। क्यों रे? जैसे ही बढ़ेगा तुम काट दोगे। नहीं काटूंगा भाई, पॉलिश लगा के एकदम पास लगाऊंगा। अरे तू ऐसे क्यों खड़ा हो रहा है? थोड़े हटके खड़ा होने का मन था, खड़े हो गए, गलत है क्या? बात खराब लग रहा है, अगर अर्जेंट है तो कोने में जा। ऐसा खड़ा हो तो वही है क्या? कोई ऐसे खड़े होके सोच नहीं सकता है क्या? तू सोच रहा है, वो सोचेगा क्या? कौन भाई? ऑटो वाला। वो क्या करेगा? तुम्हारा टांग के बीच में से निकल जाएगा। भाई 2 रुपए देखते ही नाखून काटने चले, मेरा बस चले तो मांस ही काट दूंगा। सुनना, ये कह रहे पैसे देखते अपने जेब में डाल दिया, ये दोनों में बटेगा। अरे गधे, दुबई वाले को लेटर नहीं लिखला है क्या? क्या बोल के? धमकी। धमकाएगा तो पैसे वापस कर देगा। लेटर में धमकी दूंगा। तुझे नहीं रे, दुबई वाले को। चुपचाप जो पैसे लिए हैं वो वापस कर दे, नहीं तो अगले जहाज में तुम्हारी बीवी को बेच दूंगा, बदनामी होगी तुम्हारी, दुबई पूरी तरह से घूमेगा। ऐसा है क्या? हाँ रे हाँ। अरे रत्ना, दुकान जा रहे हो क्या? हाँ भैया। अरे कैसे आदमी हो, एक दिन तो हमारे साथ खा लो। अरे छोड़ दीजिए जी, हम तो उनके रेगुलर कस्टमर हैं, उनका कस्टमर चला जाएगा ना। मूंगफली है, मूंगफली सूखा हुआ मूंगफली। ए छोरी इधर आ। हाँ, मूंगफली है। वही पूछ रहा हूँ कितने की है। अरे सुनो,
दाम सुनने के बाद मना मत करना। क्या भाई कंडीशन के साथ बेच रहे हो क्या? अरे बोनी आप है ना, मत कहना। एक पैकेट 30 पैसे है। क्या हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा? हटो, किलो 4 रुपया है। अरे वो नहीं, मैं पूछ रहा था दाम में कोई डिस्काउंट दे देना। अरे सुनिए, दाम सुनने के बाद कम करने के लिए मेरे पास मत आना, फिक्सेड दाम है। तेरी दिमाग वाली लड़की है, बहुत अच्छा बोल रही है। अरे तुम लोग अपनी उम्र की वजह से एडवांटेज भी लेते हो। 30 पैकेट दे दे। 30 पैकेट? हाँ 30 पैकेट। दैया रे दैया, सबके लिए एक एक पैकेट। वो गाल खींचा ना, उनको भी एक दे दे। 30 डाला, बहुत समझदार लड़की। चारे हाथ में पैकेट है ना। ये ले 10 रुपए। सुनिए, कल से आप ही के पीछे घूमती रहती हूँ मैं। हाँ ओके। अरे क्या बोल रही है? सुनिए ना, अरे डरो। क्या हुआ है? क्यों ऐसे दौड़ कर आए हैं? भगवान के पीछे घूमो तो पाप कम होगा, तुम्हारे पीछे तो ये कम होगा। बाहर घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो उसके लिए हर दिन मूंगफली खाओ क्या? ऐसा कुछ नहीं है। एरा पकड़ो, आज मूंगफली कल फल लेके आती हूँ, कुछ नहीं मिला तो लौट ले जाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये सब सीजन की वजह से चलता है। हाँ जी, नहीं तो जी नहीं सकते है ना। पहले गुरुजी चाकू लकड़ी सब लड़ाइयाँ सिखाते थे, आजकल तो कराते कुंग फू पता नहीं क्या क्या आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत सिनेमा देखती होगी तुम। देखती हूँ। एक दिन में 3 भी देखा है मैंने। हमारे जैसे लोगों के लिए सिनेमा ही चलता है, हम जो नहीं कर सकते वो सिनेमा दिखता है। देखने से खुशी मिलता है, रात में चैन से नींद आती है। चलती हूँ मैं। सुनिए, कल यही पे? अरे मैं भी तेरे जैसे हूँ, आज यहाँ कल कहीं और। मतलब तुम भी सड़क हो क्या? अरे क्या रे एसके कन्नमा, आई कैसे? हाँ तुमसे पहले आई। अरे रे, पीने के पानी में हाथ डालिया तूने? अरे मेरा बकेट। अरे मेरा जैकेट। जैकेट उस पे खड़े हो तुम? मैंने देखा नहीं। अरे हाँ, अरे तुमने कैसे पता किया ये जैकेट है? अरे तेरे पे नहीं है ना, तो समझ में आ गया वो तेरा ही है। अभी ठीक है? मेरी साड़ी पे खड़े होते तो कितना अच्छा होता। तुझे ना मैं। अरे तू क्या उससे खेल रही है? देखो ना उसको, ऐसे नहाएगा तो देर हो जाएगी। हाँ ये क्यों मेरे को नहला रही है? अरे भाई जल्दी जाना, हमें नहाना नहीं है क्या? ओ, अरे क्यों जा रहा है? इसलिए, जब तू नहा रहा था हम थे ना यहाँ। अरे कैसे कैसे लोग है यार ये। अरे क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ? अरे देख वो ऑटो वाले को, कहेगा मेरे बच्चे को मार के जा रहा है। देखो क्या हुआ, एक छोटे बच्चे को मार के जा रहा है, देख कैसे जाके मर कहीं पे। मेरा एक भी बलून बिका नहीं। मैंने सोचा बलून था बिक जाएगा, मैं उसको वहाँ बिठा के आया, गर्मी में बस एक दो फटा, एक भी बिका नहीं। क्या हुआ बेटा, तुम्हें क्यों रो रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। अरे तुमने बलून दिखाया ना उसे, काफी नहीं है क्या ये? एक बलून दे। आप पहले कस्टमर। कितना हुआ? 50 पैसा। ले। अरे खरीद लिया ना, आप क्यों रो रहे हो? एक और दूंगा तो बंद कर देगा। दे दूं? बस बस काफी है, मैं जा रही हूँ। हाँ सर, एक बलून मुंह तोड़ दूंगा। मैं क्या बच्चा हूँ क्या? ये ठीक नहीं रहे, बच्चे ही ठीक हैं। हाँ ये कौन है? कोई बचाओ प्लीज 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 प्लीज। अरे सभी भाग गया, देखो नहीं, उसने क्या किया। जा, मारती हूँ मैं तुझे अभी, क्या कर रहा है तू? हाँ अरे अरे अरे, तुम कैसे आ रहे हो? मैं साइकिल चला रहा हूँ, मैं गिर जाऊंगा। अरे मैं कुछ देख भी नहीं पाया यार, कैसा आदमी है यार तुम? बलून बेच रहा है बलून, गधा कहीं का। नीले गगन के तले बहना, दुकान जा रही हो? हाँ।
काट दिया। कहाँ पे? ऑटो चलो। हाँ छोड़। अरे अरे छोड़ मुझे। जाते हैं। मैंने कहा छोड़ मुझे। अरे गला नहीं काटा, गले में जो चेन था उसे काट के लेके जा रहा है। पकड़ उसे। उसको मैं पकड़ू? चल हट। हाँ अरे वो तो मेरे चेन के लिए आया, ये तो मेरे बदन के लिए आ गया। पागल होगा। हाँ मेरा चेन, मेरा चेन। ऐसे क्या पागलबंदी कर दिया मैंने? अरे भाई उसे पकड़ो, मेरा चेन काट के लेके जा रहा है। हा? मेरा चेन, मेरा चेन, मेरा चेन। रुक जाओ। मेरा चेन, मेरा चेन। रुको, चेन दे दो। तो अपना काम कर दाना। कांस्टेबल सर। ओए यही चाहता था ना सर। इस बार चेन तुम्हारे सेक्शन के हिसाब से 3 महीने ही। बेटे तेरे को बाहर आके देखता हूं मैं। थू हैव अ ग्रेट डे। अरे अरे मेरी माँ देख के तो चलती। तुम्हें मैं सारे लोगों के आने के पहले ही मुझे मार दे यार। अरे उस दिन मुझसे मूंगफली खरीदे थे ना? अच्छा हुआ मैंने उस दिन तेरे से खरीद ली, नहीं तो आज तो मुझे मार ही देती। इसके सिवा सब कुछ टूट गया ना। क्या सोच रहे हो? सोच रहे हो कि ये सब मिलाकर 3 महीने तक दांत दूंगी। तुम क्या देख रहे हो? इसको देखो, ये तो टूटा ही नहीं। ये क्या है? एक अमीर और गरीब इंसान। हर मूर्ति टूट गया, खाली ये टूटा नहीं। वो कैसे? क्यों समझ में नहीं आया? ये देखो महात्मा गांधी जी, इनके खुद की पार्टी टूट गई, इसलिए ये टूट गया है। ये तो बड़े साहब कामराज, इनकी पार्टी भी टूट गई, इसलिए ये भी टूट गया। ये है हमारा अन्ना, इसकी किस्मत भी ऐसी है। बेचारा स्वामी। स्वामी ने कोई पार्टी नहीं शुरू किया? अरे वो नहीं है, कुछ लोग मानते हैं ये जिंदा है और कुछ लोग नहीं, इसलिए ये भी टूट गया है। इस दुनिया में कुछ भी तोड़ सकते हैं और बना सकते हैं, मगर अमीर और गरीब दो जातियाँ किसी से भी कभी भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए तो ये गुड़िया नहीं टूटी। यही तो बच गया है। सुनो कम से कम आगे से ब्रेक वाला साइकिल चलाते रहो। हे क्या सोच रहे हो? मुझे माफ कर दो यार। मारने के लिए हाथ उठाया मगर नहीं मारा ना, इसका मतलब क्या है? वो नहीं, मैंने तुम्हें बहुत साधारण सी लड़की सोचा, पर तुम्हारे अंदर इतने अच्छे सोच है वो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तुम इस जगह के नए हो क्या? इसीलिए तुझे कुछ पता नहीं है। सिनेमा हॉल में 2 शो चलती है ना, वैसे ही रास्ते में 4 पार्टियां चलते हैं, ये सब देख कर ही पता चलता है। ओके मास्टर जी।
अरे मुझे लगा कि तुम लोग दोनों कुछ करोगे, बेकार में बात किए जा रहे हैं। नहीं होगा तो जाना। और क्या है खाने के अलावा सब कुछ? अंकार देखा क्या? अरे भाई अंदर आटा पीसते हो हाथ से कि मशीन से? हाथ से पीसते हैं। पत्थर पे तभी इडली भी पत्थर की तरह है। चल हट। आप लोग कहाँ से हो? गायपुर। तभी तो ऐसे बात कर रहे हो। चल फुट पागल साला। 4 रुपए 40 पैसे है मेरे पास, सिर्फ 5 रुपए। दोपहर के लिए क्या करेंगे? बिल और पैसे मुझे दे दो। ऐसा क्या? हाँ दे दो। चिल्लर लेके हट जाओ ना सर, पीछे भी लोग खड़े हैं। है तो तेरा छुट्टा लेके मुझको यहाँ से हटना पड़ेगा। आपने 5 रुपए दिए, 4 40 हुए बिल, बाकी के 60 पैसे रखे ना मैंने। कितना? 5 रुपए। कान छिद है ना? हाँ लगाया है। छेद में से फैन घूमते हुए दिख रहा है? थोड़ा सा दिख रहा है। ये अब कभी खत्म नहीं होगा। अरे पैसे तो देके जा। होटल का नाम सत्या और बैठ के यहाँ पे झूठ बोलते हो। मैंने दिया था 10 रुपए। अरे इसमें तो 10 ही नहीं है। जेब में ढूंढ। ये सब मेरे 10 रुपए हैं। उसमें 1 10 रुपया मेरा हो सकता है। सर ये कितने डिसेंट है, ऐसा कुछ करेंगे क्या? अरे जाबे। थैंक यू सर। अरे ये भी चला गया। शट अप। मेरा बिल सेटल होने तक तू दूसरा बिल नहीं लेगा। आपका भाई सर। ओके। अरे ये देखो पूरा होटल चाह रहा है, ये क्या हो रहा है? बैठ वहाँ पे। अरे मेरे 50 रुपए मत भूलना तुम, समझा कि नहीं? ये क्या तुम लोग मेरे साथ नाटक कर रहे हो? मेरे 10 रुपए निकाल। 5 रुपए। 10 रुपए। 5 रुपए। 5 रुपए। 5। आपको कॉफी अच्छा लगा? बहुत अच्छा था सर। कल से और अच्छा रहेगा, रोजाना। ओके सर। फैमिली रूम भी है। थैंक्स। ये कहाँ है भाई? हमारा मालिक को हटा के पता नहीं कौन कौन सा है वो गले पे बैठा है, कहाँ समझ रहा है? तनखा जरा 10 रुपए बढ़ाने की मांग की तो पूछते हैं कि प्लेट उठाने वाले का यूनियन है क्या? लगने दो। क्या बात है, आज इतनी कमाई होगी मैंने सोचा भी नहीं था। 1000 पूरी, 1000 इडली, 1000 डोसे दाल के पैसे है ये। एक घूरने और धमकी में बना दिया हमने। हाउस माय टैलेंट। 50-50 करेगा योर एंड में? ऐसा कहते क्या? बाद में समझाता हूँ। ए छोरी इधर आ ना। क्या है? तुझे ढूंढ रहा था मैं। थोड़ा हंस के तो बात कर लिया तभी बुला दिया मुझे। अरे सुन एक काम था, ये ले। यो जो भी है साफ साफ बताओ, ऐसे बरकते मुझसे नहीं करना, समझो। चिल्ला क्यों रही है तू, खोल के तो देख। हाँ? सब मोती टूट गए। बेचारी है तू, मेरे वजह से हुआ ना। वो गरीब और अमीर का मूर्ति नहीं टूटा ना। अगर तेरे पास है तो बाद में दे देना। तो जैसे आदमी को अभी तक नहीं देखा है मैंने, पैसे मिला तो मैं क्यों डांटू तुम्हें? मन बदलने से पहले अंदर लगा देती हूँ मैं पैसे को। वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? यहाँ नहीं तो क्या करूँगा, ये मेरा घर है। ये घर पे सिर्फ जमीन पे सीमेंट होता ना, ये देखो चारों तरफ सीमेंट है। पहली बार आई हो, आ जाओ अंदर आ जाओ। ये आगे का वो पीछे का। इस घर के आगे पीछे दोनों भी है क्या? चारों साइड है। फाउंडेशन वो तो आगे करूंगा। आ जाओ। ए, क्या कर रहे हो बाहें पे? इस घर के लिए शास्त्र भी निकाले भगवान भी है। अभी बैठ जाओ। एक चीज देखा तुमने, इस घर की खिड़की नहीं है। खिड़कियां तो नहीं है इस घर के, लेकिन हवा अच्छा चलता है। कितना भी बारिश हो ना इसके अंदर पानी नहीं आएगा। इस सबसे ऊपर ओनर भाड़ा नहीं मांगेगा, जो चीज जहाँ रखा हो वहीं पे रहेगा। सुबह के टाइम पे कुत्ते आते हैं और रात के टाइम पे भूत आके जाते हैं। इतना अच्छा घर तुम्हें मिलेगा कहीं चेन्नई में। घर के बाहर ही नाला और घर के अंदर ये बकेट और उसके साथ एक डिपर भी।
और कपड़ों के हिसाब से मेरे पे एक और वहाँ पे एक लगा है। इसको तो छोड़ दिया ना, घर के अंदर आते ही छोड़ देना चाहिए ना उसको। अरे ओ नहीं है, इतना बड़ा घर, कपड़े बर्तन बोल रहे हो, पूछ रही थी इसको क्यों छोड़ दिया है। ये है मेरा पिलो। अरे काम की चीज ही लगाई तूने। क्यों, ये कौन सा बुरा चीज हाँ, है? बहुत बड़ी चीज है, नाम लगा दो इसका। अरे सुन, इस दुनिया में ना माँ बाप अलग हो सकते हैं, भाई भाई अलग हो सकते हैं, दोस्त भी अलग हो सकते हैं, लवर्स भी क्यों अलग हो सकते हैं, पर इसमें जो भी अलग हो सकते हैं जी सकते हैं, पर इसमें ये जो शू है ना, लेफ्ट गया तो राइट वेस्ट, राइट गया तो लेफ्ट वेस्ट, फेंक देना चाहिए। ये कोई मामूली सा चीज नहीं है, एक देश पे भी राज किया है इसने। अरे रे 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 दैया, अरे दिल पे इतने सारे बातें रखकर यहाँ रह रहे हो। मैं अकेला हूँ, मेरे लिए काफी नहीं है। कोई रिश्तेदार है? कोई आएगा तभी। जल्दी शादी करना चाहिए था ना। अब तक मैंने सोचा नहीं था, पर थोड़े दिन से ना एक हिरन मेरे लाइन में क्रॉस कर रही है। वो एक साधारण सी हिरन होती तो मैं छोड़ देता, पर ये तो वो कस्तूरी वाला हिरन है। अयो, मेरा नाम भी कस्तूरी है। हाँ मैंने तुम्हें ही बोला था। इतनी बड़ी बात को ऐसे ही बोल दिया? अयो, मेरा नाम रत्नवेल है। अरे मैं यहाँ हूँ। तुम जहाँ भी जाओ तेरे लिए मेरे गोली है। अरे लेटो ना। थोड़े दिन से ही मेरे लाइन में एक हिरन क्रॉस कर रही है। अगर वो एक साधारण सी हिरन होती तो मैं छोड़ देता, पर ये कस्तूरी वाली हिरन है। इधर आओ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? अगर एप्पल एप्पल करके धीरे से बुलाया तो लोग समझेंगे कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। थोड़ी देर रुक कर आओ। हाँ अरे चमेली कहाँ चली तू, चमेली की चाल में? सुनो ना, उठो मेरे पीछे तो आओ। अभी आया। और कुछ तो बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ टाइम हो गया, तू घर चली जा। तू पूछ रहे घर पे कौन कौन है? मैं बस बोल रहा हूँ तुझे जाने के लिए, पर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा तुम यहाँ से जाओगी तब। पता है मुझे, इसीलिए तो मैं भी नहीं जा रही हूँ ना। पता है सब कुछ, पता मुझे। अरे, हाँ, मुझे क्या सब पता। सुनो रुको तो। ओए, क्या कर रही है? इधर आ तू, क्या कर रही है तू? दिया को क्यों बंद कर रही है? ये सब ठीक नहीं रहेगा, जल्दी से जल्दी शादी करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं भी इसी के लिए इंतजार कर रही हूँ ना। चल ठीक है, कल ही मैं तेरे भैया से मिलके तेरा हाथ मांग लेता हूँ। हाँ लो हो गया। भाई वो कब घर आने वाले हैं? चोरी करके जेल पर है वो। क्या जेल में? ए तुम क्यों ऐसे देख रहे हो? तुम्हारा भाई ऐसा है मैं सोच भी नहीं सकता। देखो ऐसे साला आने वाला है, मुझे तो हंसी आ रही है। तू ना, तू तो... क्या भाई बहुत दिनों से दिखे नहीं, ससुराल से आ रहे हो क्या? ए बकवास बंद कर, आज मैं जेल से आया हूँ। कौन है बे हंस रहे जो? वो हम बहुत देर से सुन रहे हैं। ऐसा कौन है हमारे इलाके में जो इतना खुश है? बहुत देर हो गया, मुझे घर तक तो छोड़ो ना। सोच के तो बोल रहे हो ना? मुझे ऐसे मत देखो ना यार। चलो ना चलते हैं। चल। भैया ये तुम्हारा भाई है? मैं वहाँ सलाखें गिन रहा था और तू यहाँ रोमांस कर रही है? अबे साले बलून वाले, पहले मेरे ऊपर हाथ रखा, अब मेरी बहन के ऊपर नजर है तेरी तो। No, 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 no,
Hey, Kasturi. अबे सुन। बोलो भैया। टैक्सी लेकर आ। ओके भैया। उठ के बैठ जा। देख के, संभाल के। माँ, वो आदमी कहाँ गया है? भैया दवाई लेने गए बेटी। बुखार तो कम हुआ ही नहीं, गर्मा गर्म दाल पानी है, मैं लेकर आऊँ? आपको तकलीफ दी। अगर कल मुझे कुछ हुआ तो तुम जरूर आओगी ना? रुको, मैं लेके आती हूँ। माँ, माँ, खिचड़ी गरम ले आऊँ या ठंडा करके? ठंडा करके दे दो माँ। खाना लेकर जाना। अरे सुनिए, कल रात एक आदमी को मारा है, देखा है उसे? कोई दिख तो नहीं रहा, अस्पताल में जाके पूछ लो। भाग गई क्या? कहाँ भागेगी? दुनिया के किसी कोने में भी उसे ढूंढ के लाऊंगा। ये पकड़। घूर के देख रहा है? बहन आप, अगर बहन हो तो पैर पकड़ोगे? किसके पास कहानी बोल रहे हो? देखिए, सवाल की बात कीजिए। बकवास बंद कर। हे, तुझे क्या इज्जत चाहिए? प्लेटफॉर्म में सो रही थी तो कहीं भी आके सो जाऊंगी सोचा? उधर देख, भगवान ने एक लाइट दिया है। इधर देख, सरकार ने दी है ये लाइट। हाँ जी। सुन, यहाँ पे लेटे हैं तब भी हम हमेशा रोशनी में रहते हैं। हाँ, जिस किसी ने गलती की है कोई भी यहाँ पर नहीं लेट सकता। हाँ, चुपचाप यहाँ से चले जा। ज्यादा बात, तुझे मार डालूं उसके पहले यहाँ से भाग जा तू। भाग तू, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं चोर कहीं का। कुत्ता कमीना, भैंस जैसा बन गया है तू। हट के लेट। खुचा के दे दो। अरे चुपचाप से लेट ना, मुंह खोलेगा तो मार डालूंगी। यहाँ मुंह बंद करके चुपचाप से सो जा। हाँ। मत खराब है, जो मिलता है वो पी लेता है। रुक जाइए। क्यों? लंबी आयु के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए, उस भगवान को देने के लिए ये मुकुट मेरे सर पे अच्छी तरह से लगा देना। ये मुकुट नहीं है, ये सरारी है। जो भी है चलेगा। मंदिर का बंद कर रहे हैं। शनिवार को बंद कर रहा हूँ। जल्दी आ, जल्दी आ। अरे सरारी कहाँ ले जा रहे हो? अरे सरारी दे दो। अरे आगे चल जाओ, मुकुट छोड़ के जाओ यहाँ पे। अरे रुको रुको, रुको रुको, अरे ये भगवान का है, ये चोर है, अरे वो मंदिर का क्या करने वाले हैं, क्या कह रहे हो? अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। हेलो, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो। अरे रुक जा, रुक जा, ये भगवान का मुकुट है, इसे लेके बच जा। रुक, कहाँ भागोगे तुम? फॉलो कर रहे हो? चलता हूँ अभी पुलिस में कंप्लेंट। रुको, एक काम करते हैं, इसको यहीं कहीं छुपा देते हैं, बाद में ले लेंगे। ऐसे बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। ठीक है, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो इनको, पकड़ इसको, पकड़ 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 इसको, पकड़ो पकड़ो। ये क्या, मेरे एरिया में 501 हो रहा है, केस को फाइल करना पड़ेगा। क्या मंदिर में मुकुट मिसिंग है? हाँ, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। ओके ओके, 501। यस सर।
ये अपने हनुमान के मंदिर से आ? राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। कौन है ये? मिस्टर लाश अभी मरे, डॉक्टर शिशिन की पेशेंट है। खुल के देखा तो पता चलेगा ना। कुछ भी कर ले उनको पता नहीं चलेगा। आ चलो जल्दी यार। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। क्या बेटी तुम गीले कपड़ों में खड़ी हो? मुझे मंदिर बंद करना है। फल खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है स्वामी जी। भगवान वो सब कुछ नहीं पूछता बेटी, तुम्हें क्या चाहिए बस एक आवाज दो बेटी। वो आदमी ठीक है तो वही बस है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है बेटी? रत्नम। राशि? रत्नम। गोत्र? रत्नम। अच्छा अच्छा प्रचोदयाद। किसका घर है ये? सर 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 अरे बाप रे, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी। बाथरूम में पानी टेबल पे पड़ा नहीं हो क्या? अरे आयो, अरे 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 रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो? रुको, क्यों डर रहे हो? नहीं तो रोड में मार खा के पड़े हुए थे, मैं ही तुम्हें कार में बैठा के यहाँ लेके आई। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर को बुलाया, दवाई लगाया, अभी तो ठीक कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया दीवार को देख के बोले तो कैसे, मेरे मुंह पे बोलो ना। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों, इतनी बुरी हूँ क्या? मैंने ठीक से भी नहीं देखा, ऐसे कैसे बोलूंगा। पहले आप वो टॉवल निकाल के। निकाल दिया? मैंने वैसे नहीं बोला, मैंने बोला टॉवल निकाल के साड़ी तो पहन के आ जाओ आप। क्या हुआ, आपके पास साड़ी नहीं है क्या? कपड़े तो है लेकिन मुझे देख के कपड़े पहनने को बोलना, पहले आदमी तुम ही हो। ये क्या है, पैर में लगे हुए कांटे को निकाल के? हाँ वो निकाल दिया, बदन के टवल को निकाल के निकाल दिया, ऐसे खुशी में भी बोल रही है। आ रही है, टवल के साथ आ रही है या फिर ऐसे ही आ रही है? Thank you.
तुम सोगु से हो ना? हाँ, रामपुर शहर की रखेल की बेटी हूँ मैं, सोगु से। मुझे पहचानती हो? पहचानी तभी तो लेके आई मैं तुम्हें यहाँ पर। रोड पे मार खाए हुए किसी को भी यहाँ पे लेके आऊं तो ये घर नहीं हो पाएगा। चित्तूर का पूरा शहर तुम्हारे सुंदरता के बारे में बात करती है। तुम कितनी अच्छी थी, अब क्या हुआ तुम्हें? सीना ताना के मरने के बाद हम वहाँ पर रह नहीं सके। मेरे नाम की जितनी भी जायदाद थी उसे बेच के मैं और माँ यहाँ पे आ गए। यहाँ पे राम, रमेश ऐसे नाम के बहुत सारे लोग आने लगे, हम लोग से संभाले नहीं गए। मैं भी उसी काम पे लग गई। उनका नाम रोशन करेंगे लगा तो माँ भी चल बसी। माँ जैसे बच्चे और धागा जैसे साड़ी मेरे पिताजी बोलते ही रहते थे। तुम्हारे पिताजी बोलते ही याद आता है, उनके जाने के बाद हमारे शहर का मंदिर तो सुनसान हो गया। उनके मरते समय भी तुम तो उनके साथ नहीं थे ना? किसी भी हालत में ये सब चीजें मुझे याद मत दिलाओ। पुरानी चीजें भूल के मैं अब एक मशीन जैसे जी रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। रुकिए, हमारे शहर का है, अच्छा है। मैं जो बोल रही हूँ वो करोगे तो नहीं होता तो मैं क्यों तुम्हें घर ले आऊं? मैं क्या करूं अब? बोलती हूँ, आओगे? हाँ। बिना डरे आओ, बैठो। सोगसो, ये क्या है? रत्नम, भूख लगी है बोल के पैसे लेके मेरे पास आते हैं लोग, उनकी खुशी के लिए मैं काम करती हूँ। जल्दी जल्दी खाकर जैसे ही भूख बंद हो जाती वो चले जाते हैं। लेकिन खिलाने वाले को भी भूख लगती है ऐसा कोई सोच नहीं सकता। अब से मेरी भूख मिटाना तुम्हारा काम है। तुम्हें कोई परेशानी के बिना तुम यही रह जाओ ना। उठो। तो उसका मतलब मैं तुम्हारी रखेल बन के रहूं? ये कैसा नया शब्द है? जब आदमी औरत को रखता है तब रखेल हो जाती है ना, जब तुम मुझे रखती हो तब मैं भी तुम्हारा रखेल बन जाऊंगा ना। नहीं, शादी कर ले। अच्छा, बैठो। शादी स्वर्ग में निश्चय होके बेडरूम में शुरू होना चाहिए, तुम तो स्टार्टिंग में खत्म करने की सोच रहे हो। रत्नम, हे, अगर तुम्हें शादी करने के लिए मंडप में बैठूं तो जमीन फटेगा, आसमान गिरेगा और आग भी बुझ जाएगा। जा रहा हूं। तुम्हें मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। बेटा, वो कस्तूरी का घर कहाँ है? वो जाली जो लगा है वही घर। शुक्रिया। माँ जी, यही कस्तूरी का घर है? हाँ हाँ, यही है। ताला लगा है? हाँ, बाहर ताला लगा के अंदर बैठे हैं। वो मतलब नहीं था माँ जी, मैं पूछ रहा था कि वो कहाँ गए हैं। मालूम नहीं, तड़पती बुखार के साथ बाहर गई वो, उसके पीछे पीछे उसका भाई भी गया, अब तक दोनों वापस नहीं आए। खुला घर था तो मैंने ही ताला डाला। अच्छा, ऐसा है? हाँ। तुम कौन हो? मेरा नाम रत्नम है, जब कस्तूरी आएगी उनको बोल देना। भाई से नहीं बोलूं क्या? मैं जा रहा हूँ। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए एक सर? लड़की हम सब नहीं बेचते सर, उसके लिए अलग लोग होते हैं, उनसे मिलिए। भैया, उसके लिए मैं नहीं हूँ, चल निकल। कस्तूरी नाम की एक लड़की आएगी, आ सकती है और आते ही बता दूंगा मैं। आओगे? ये उम्र में सोजन चाहिए इन्हें, जरूरी है।
शायद दामाद के लिए चाहिए होगा। भैया बोलिए सर, क्या चाहिए? एक सुंदर सी लड़की है ना, जो बेचने के लिए यहाँ से फल लेके जाती है। यहाँ तो हजार लोग आते और जाते, हमें क्या पता? उसका नाम कस्तूरी है। अरे दुकान में आने वाले को क्या चाहिए वो पूछते, उसका नाम नहीं। Fantastic. Who played this? Tiruvodudurai Rajaratnam Pillai. Oh, jeez. मैं बहुत instruments play करता हूँ, पर ये सुनके मुझे सीखने का बहुत मन कर रहा है। क्या आपके शॉप में instrument है? Oh, yes. One minute. This is the instrument. Oh, very nice. क्या आप इसको play कर सकते हैं? थोड़ा बहुत आता है. Please. Sure. पुदुकोट के पास वाले रामपुर है मेरा गांव। 20 साल के पहले एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और वो बहुत लोगों के साथ मेरे माँ बाप को भी लेके गई। उसमें और भी बहुत लोग मर गए थे, उसमें मैं बच गया। मंदिर में गाने के लिए आए थे नटराज पिल्लई, उनका गांव था चिट्टूर और वो मुझे वहां लेके गए थे। उन्होंने मुझे अपने बेटे जैसे पाला, मुझे एमए तक पढ़ाया उन्होंने। ओह, ही इज रियली अ ग्रेट मैन। आपको नहीं पता सर, वो विद्वान जब अपना नादस्वर बजाता है तब उसके अंदर चुपचाप रहे हवा भी उन सात द्वारों से सा रे गा मा पा बनकर वहां बैठे सभी लोगों को सुला देती है। मिस्टर रत्नम, टैबलेट खा लीजिए। क्यों जब देखो लेटे रहते हो? यू आर ऑल राइट? हेलो हेलो मिस्टर रत्नम, आप टायर्ड है, टेक रेस्ट, आई कम इन द इवनिंग। ओके सर। मन में जो बार है उसको जब उतार के रखता हूँ तभी अच्छा लगता है। मैं अपना बाकी स्टोरी भी बता देता हूँ ना। अचानक एक दिन मेरे पिताजी पैरालिसिस डिसीज की वजह से लेट गए थे। लोगों ने बोला कि इसका चिकित्सा सिर्फ मद्रास में हो सकता है और उसके लिए जो पैसे बनाने के लिए मैं भागा, रिकमेंडेशन और करप्शन के आगे मेरे एमए का सर्टिफिकेट कुछ नहीं था सर। कहीं पे भी मेरी पढ़ाई के लिए काम नहीं मिल रहा था सर। मेरे सर्टिफिकेट्स पे धूल जमने के पहले मुझे एक नौकरी मिला था सर। भैया भैया, मुझे एक काम मिल गया है, मेरे पिताजी को मैं मद्रास लेके जाने वाला हूँ। अरे भैया भैया, मुझे एक काम मिल गया है, मेरे पिताजी को मैं मद्रास लेके जाने वाला हूँ। हाँ वहाँ पे देख पिताजी। छह साल की उम्र में प्रकृति ने मुझे अनाथ कर दिया। अब मेरा पढ़ाई और मेरा डिग्री उसने मुझे अनाथ कर दिया है। मेरे एमए के वजह से मैंने सोचा कि मैं बड़ा काम ही करूंगा। मैं बस ऑफिस में फैन के नीचे बैठ के फाइल से काम करके पैसे बनाने का सोच रहा था, पर ऐसे नहीं सोचा कि जो भी काम मिलेगा उसको लेना चाहिए। अगर मैं अपने पढ़ाई को छोड़ के थोड़ा नीचे का काम कर लेता तो मैं अपने पिताजी को बचा सकता था। पिताजी, जब ये पढ़ाई किसी चीज का काम नहीं है तो ये पढ़ाई मुझे क्यों चाहिए? बस अब तू भी चला जा। तब से मैं एक अंगूठा छाप बन के जी रहा हूं। जो जो काम मुझे अच्छा नहीं लगता था वो सब काम मैंने किए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम किया, गाड़ी साफ किया। आई मिस द बस, आई एम नॉट ऑफर टू वेट फॉर द वैगन। टू मी इट्स लाइक नेट लॉस बिफोर टैक्स। मिस्टर रत्नम, जो हो गया उसे भूल जाओ। जब भूलने का कोशिश कर रहा था तब मुझे एक प्यार मिला। खुले मन से जो बात किया उसने, खुले दिल से जो हंसती थी वो, रोड पे फल बेचती थी वो, पर मेरे लिए वो एक देवी थी। अब वो भी नहीं दिख रही सर। इस दुनिया में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। आगे तक मैं क्यों जीऊं, क्या करूं मैं? उतना मत सोचिए आप,
एक बहुत बड़ी संगीतकार की तरह इस दुनिया को बताओगे। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था सर, जब एक साधारण से आदमी के जैसे भी मेरे जीने की औकात नहीं रही। नो, ऐसे अच्छे दिल के लिए कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारे प्यार को जरूर लेके आऊंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं सर? हाँ, अपने परेशानियों को भूलकर आप मेरे जगह में काम करोगे। ओके, बहुत खुशी हुई सर। प्लीज कम। आपके घर का बगीचा बहुत सुंदर है सर। थैंक यू, मैं ही इसको देखता हूँ। बहुत देर हो गया है ना? हाथ से फिसल गया? हाँ, फिसल गया। अपने घर पर खाना खाने के लिए कोई आने वाले थे ना? यही है वो, मिस्टर रत्नम एम ए। शी इज माय वाइफ। अंदर चलिए ना। हाँ, प्लीज कम इन। हाँ। फॉल्स लीफ। थोड़ा हाथ हटाइए। अरे खाओ खाओ ना। आज कितने फिल्म देखे? दो। इसका टाइम पास तो वीडियोस में फिल्म देखना, एक दिन तो चार पांच भी देख लेगी। बहुत सिनेमा देखती हो तुम? हाँ, देखती हूँ। दिन में 3 सिनेमा भी देखती हूँ। हमारे लोगों के लिए टाइम पास तो वही है ना, जो हम नहीं कर सकते वो सिनेमा में दिखाते हैं। बहुत खुश होती है और चैन की नींद भी आती है। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? अरे ये तो रहा। हाँ हाँ। दो सिनेमा से मुझे क्या पसंद है मालूम है? मेरा प्यार बहुत पसंद आया। क्यों? एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, लड़की के भाई को ये प्यार पसंद नहीं था, इसलिए उसने दोनों को अलग किया और लड़की को किसी और से शादी करा दिया, और वो भी घर बसा रही थी, और एक दिन उसका प्यार उसका घर आ जाता है। पानी पी लीजिए ना। वेरी गुड, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और फिर? उसी के बीच में आपका कॉल आया है, उसे रोककर मैं काम करने लगी। ठीक है, बाकी कहानी कल सुना देना। आपको कहानी पसंद आई? ये कोई स्टोरी नहीं है सर। फिर? कविता है। अब से यही आपका रूम है। सर मैं आपका कभी भी एहसान मंद रहूंगा। जग में पानी है, एसी चाहिए तो ऑन कर लेना, और कुछ चाहिए तो सर जैसे आपने बोला मैं आपकी दुकान में काम कर लूंगा, पर रहने के लिए कहीं और मिल जाएगा तो? नो, तुम्हारा प्यार मिलने तक तुम यही रहोगे, जैसे वो मिलेगी मैं तुम्हारा शादी कर दूंगा, कई और घर देख के तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। सर आपकी शादी कब हुई थी? ए लीजिए दूध। चलो छोड़िए ना। अरे ठहरो तो सही। अरे छोड़िए ना, छोड़ो मुझे। क्या है आप? कल 4 बजे आप मंदिर जाना है। मंदिर जा रहे तो कुछ कर नहीं सकते क्या? बहुत दूर जाना है, चुपचाप सो जाइए। अरे अच्छे मूड में था। आपको मूड आएंगे तो क्या करते हैं मुझे पता है, अब चुपचाप सो जाइए। मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। हे, बस उतना ही है क्या? उतना ही है।
सर आप कपड़े नहीं बदले? पेटी में तो कपड़े थे। हाँ ले लूंगा सर। बोलना भूल गया, कल सुबह 4 बजे हम लोग मंदिर जा रहे हैं, जब तक आएंगे दुकान देख लेना। ठीक है सर। हाँ काम में कोई डाउट है तो किसको पूछूं सर? अकाउंटेंट से पूछ लेना। गुड नाइट। तुम्हारी वजह से मैं बिगड़ा, तुम्हारे वजह से मैं बिगड़ा, तुम्हारे वजह से मैं बिगड़ा, तुम्हारे वजह से मैं बिगड़ा। हे भगवान, आपका मुकुट हमने चोरी किया भगवान, उसका शिक्षा के लिए आपने हमें जेल भेज दिया, अब हम बदल गए, अब से तुम ही हमारा साथ दो। हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय, हनुमान जी की जय। ए लीजिए, दुकान की चाबी सूटकेस पे है। दोपहर का खाना बेच दूंगी मैं। जरूरत नहीं है। क्यों? खा भी नहीं पाऊंगा, हजम भी नहीं होगा। हाँ हाँ, कल खाते हुए मैंने देखा है। क्यों, हमारे घर का खाना पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटी सी डाउट है। पूछिए। सब मूर्ति टूट गए पर वो एक मूर्ति नहीं टूटा ना। एक मिनट। नमस्ते मैडम। हाँ आइए आइए। बहुत सारे लेके आया हूँ, देख लो। ठीक है। हा? ये भी ठीक है। हा? ये सभी सारी ठीक है। ये कैसा लग रहा है? मैं बोलूँ तो ठीक नहीं रहेगा, साहब घर पे हैं क्या? सुनिए, आप कांचीपुरम ले आने वाले थे ना, नहीं आया क्या? कांचीपुरम नहीं आएगा, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। कल आप दुकान में आकर के 3 घंटे के लिए झगड़े खड़े कर दिए थे, पूरी दुकान को ऊपर नीचे कर दिया था और एक साड़ी उठा के घर ले आए। आखिर में वो भी पसंद नहीं आया बोल के फिर से फोन किया, पड़ोसी की दुकान से उठा के लेके आया हूँ, ये ठीक है? ये अच्छा है। ये जैसे साड़ी नहीं आता है क्या? ला सकते हैं, लेके आते हैं। देखो वो 3 घंटे के झगड़े के बाद जो एक साड़ी था वो हमारी दुकान का था, वो जरा ला देंगे? अरे ये साड़ी तो मैंने देखा ही नहीं। अरे सुनिए, वो झगड़े वाला साड़ी। एक मिनट। आप जाइए, इसके बीच में बैठे हुए तो समय भी नहीं चलता है। देखिए सर, जल्दीबाजी में कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये समझ के मैंने खाना ही लेके आया हूँ, सोचेगी तो कलर भी बदल देगी। कलर थोड़ी बदलेगी। क्या पूछा? सर की शादी कब हुई थी? मेरी शादी होके बहुत साल हुए और वो पहली चल बसी, अब मैं एक कुंवारा हूँ। मेरे शादी का सबूत मेरे 3 बच्चे हैं, और कुछ दिनों में मैं रोड पे आ जाऊंगा, इसका सबूत मेरे 2 बेटियां हैं, बिना रोके बड़े जा रहे हैं, चलेगा क्या? सर मेरा मतलब वो नहीं था, हमारे ओनर की शादी कब हुई थी? साहब का? हाँ। कब हुआ, कैसे हुआ, उनके बीच में प्यार है क्या, अलग होने का कोई चांस है क्या, ये सब कुछ जानने के लिए थोड़ा रुको। ये क्या है सर? नहीं, मेरे शक्ल से क्या मैं बेरोजगार दिखता हूँ क्या? देख रहा था। सर गुस्सा मत हो जाए, मैंने ऐसे ही पूछा। तुम भी नाराज मत हो, घर में एक छोटी सी गड़बड़, मेरी बड़ी बेटी बिन बिनाई पेट से है। सर मैं जा रहा हूँ घर को। आइए आइए। रिपेयर के लिए दिया था, मेरा ढोलक रेडी हो गया। ऐसे क्यों पूछ रहे हो, हमारे दुकान के भरोसे पे कहीं भी ये चीज चला सकते हो। कहाँ गए, यही पे तो थे। तुम्हारे पीछे, इधर ही हूँ। हेलो। बड़े घराने की हो जाएगी तो मैं तुम्हें पहचानूंगा नहीं? रॉन्ग नंबर। தெரிஞ்ச வரையிலே எவனும் சிரிச்சு பார்க்கலே, எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலே எவனும் சிரிச்சு பார்க்கலே, கண்ணில ஈரமும்
பாரமும் யாருக்கில்லே உலகிலே அது வெளியிலே தான் தெரியலே வெளியிலே தான் தெரியலே தெரிஞ்ச வரையிலே எவனும் சிரித்து பார்க்கலே கண்ணில ஈரமும் நெஞ்சில பாரமும் யாருக்கில்லே உலகிலே அது வெளியிலே தான் தெரியலே வெளியிலே தான் தெரியலே எல்லாம் கையில கிழச்சான் கடவுளை யார் இங்கு நினைச்சிடுவான் கேட்டது எல்லாம் கையில கிழச்சான் கடவுளை யார் இங்கு நினைச்சிடுவான் கடல் நீர் எல்லாம் குடிநீரானா காவிரியே மதிச்சிடுவான் எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைச்சதும் இல்லை எல்லாம் முளைச்சதும் இல்லை காய்ச்ச மரத்தில் கல்லை எரிஞ்சு காய் விழுதா பாரேண்டா காய்ச்ச மரத்தில் கல்லை எரிஞ்சு காய் விழுதா பாரேண்டா காய் விழுந்தாலும் விழுந்தாலும் கவலை என்ன போயேண்டா வந்த வரையிலே வரவில் வையடா போனதாவுமே செலவில் வையடா எனக்கு தெரிஞ்ச வரையிலே எவனும் சிரிச்சு பார்க்கலே கண்ணில ஈரமும் நெஞ்சில வாரமும் யாருக்கில்லே உலகிலே அது வெளியிலே தான் தெரியலே வெளியிலே தான் தெரியலே आइए दो तीन हाथ में कौन सा है लो दिखाइए अगर सिर्फ हाथ में होता नीचे डाल देता ये तो दिल में बैठ के जीना हराम कर रही है क्या बोल रहे हैं पति जब होता है तब अपने प्यार को पहचाने की कोशिश मत करो जब पति नहीं है तब भी अनजान बनते हो तब भी बोल देते कि मेरे से गलती हो गया और मुझे माफ कर दो कितनी तसल्ली हो जाती आप ज्यादा ही सोच रहे हैं मैंने तो आधा ही कहानी बोला है ना खाना खाने के बाद दोनों साथ देखते हैं उसके बाद समझ में आएगा आइए कस्तूरी मेरा नाम ललिता है ललिता अपने नाम की जैसे अपनी आदतें भी बदल देती तो तसल्ली होता कुछ तमीज से बात कीजिए इज्जत धोखा देने वालों के वो भी है व्हाट डू यू मीन ओहो इंग्लिश में बात करती है जहाँ तक मैं जानती हूँ एबीसीडी के बाद ही सब भाषाएं मैंने कॉन्वेंट में पढ़ाई की थी पैसा आ जाता है तो बाकी सब भूल जाते हैं सच बताओ पत्थर तोड़ने की जगह पे मूंगफली नहीं बेचती थी क्या? सर पे ठोकरी लगा के रस्ते पे नहीं बेचती क्या थी क्या बकवास है ये पानी के पाइप के अंदर मेरे साथ नहीं बैठी थी स्टूपिड हे इतना गुस्सा आ रहा है ना देखिए ना जी ही इज नॉट आवर गेस्ट ही इज अ बीस्ट सेंड हिम आउट उसे बाहर भेजिए सर इसकी आंसुओं पे आप भरोसा मत करो जिस देवता के बारे में बोल रहा था वो ये लड़की है मुझे धोखा दिया और आज आपको भी मिस्टर अपनाम ये क्या है आप ही के सामने मुझे इतना इंसल्ट कर रहे हैं और इसे तमीज से बात कर रहे हैं आप He is a bastard. Ask him to get out now. ललिता
उनका गुस्सा जायज है। मिस्टर रत्नम, पहले आप एल्बम देख लीजिए। हमारे फैमिली एल्बम को किसी और को क्यों दिखा रहे हैं? उनका शक हटने दो, उन्होंने प्यार किया तुम्हारी तरह किसी और से। ललिता, वो तुम्हें देखकर मूंगफली बेचने वाली, गुड़िया बेचने वाली, उनके साथ उनके घर पे आने वाली थोड़ी देर सोच लेती, तुम ही वो एल्बम उन्हें दिखा देती। एक जैसे दिखने वाले दो बच्चियों का फोटो है। वो कोई और नहीं है, मैं और मेरी बहन है। हम दोनों ट्विंस हैं। बचपन में ही उसे खो गए हैं हम। बहुत ढूंढा और मिली नहीं है वो। तुमने इसकी बहन से अपने प्यार किया? वैसे ही होना चाहिए सर। मैडम प्लीज आप। नो नो, मेरी बहन जिंदा होने को जानकर हम लोगों को कितनी खुशी हो रही है पता है? मैं अभी उसे देखना चाहती हूँ। मैं भी उसी का ही तलाश कर रहा हूँ। इसकी नसीब में सभी समय कोने ही लिखा है क्या? तुम मेरे भाई नहीं हो क्या? नहीं, तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम जब छोटी थी तो तुम्हारे गले में सोने का चेन की वजह से मैं उठा के लेकर आया तुम्हें। तू अगर लड़का होती तो तेरा गला दबा के कुएं में डाल देता, चेन उठा लेता। बचपन से मैं तुम्हें अपने कंधे में बैठा के पाल पोस रहा हूँ। क्यों पता है? पूछो। अरे पूछो ना। तू बहुत सुंदर थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, मुझे नहीं पता क्या? तो मेरे माँ बाप? माँ बाप, मम्मी डैडी, क्यारी, वो कौन है मुझे पता भी नहीं है। ए, माँ बाप को ढूंढने की उम्र है क्या ये? एक उम्र आ जाती है तो किसी की पत्नी बनना होता है, तो तुम्हें पति को ही ढूंढना पड़ेगा। तुम तो मुझे उसे अलग कर दिया ना। उस बेलून वाले लड़की की बात कर रही है? तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ ना तुम्हारे लिए यहाँ पे। तुम्हें महल में रखूंगा, फर्श पे नहीं, महल के ऊपर। तुम्हारे आगे दिया जलाऊंगा, ऊपर पंखा चलेगा, नीचे दिया जलेगी। तुझे और क्या चाहिए मेरी जान, बोलना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मार दो। अरे अरे, अरे, पैसे ले लिए हैं मैंने, हाथ फैला के पैसे मांगे हैं। तुम्हें जिंदा उसके हाथों सौंपने के लिए हाथ फैला के पैसे मांग लिए हैं मैंने, वो भी 5,000 रुपए। अरे कमीने। कमीना हूँ फिर क्या करूँ मैं? अच्छा, बाकी 20,000 रुपए आने तक तुम्हें देखता ही रहना पड़ेगा मुझे, क्या करे बताओ? शर्म नहीं आती ऐसे कहते हुए, तुम मर्द हो क्या? बिल्कुल सही सवाल, ऐसा सवाल तुम्हारे दिमाग में आया ये सही है। हम बहुत साल से एक ही जगह पे रहे हैं, तू मेरी बहन भी नहीं थी, उसके बावजूद मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। और इसीलिए मैं मर्द हूँ कि नहीं ये तुम्हारा सवाल बिल्कुल जायज है। मेरे पाले हुए एक लड़की को ऐसा सवाल आना जायज है क्या? मैं मर्द हूँ कि नहीं ये तुम्हें अभी पता चलेगा। अयो, मुझे कुछ मत करना, मैं तो गलत बोल दी थी। देखो अच्छा या बुरा, जब से मैं जाती हूँ तब से तुझे भैया कहकर बुलाती थी। वो उसे आखिरी तक रहने दो, जिससे तुम पैसे लिए थे उसको ही मुझे बेच दो। अब जाके तू मेरी बच्ची है। ए धनपाल, आज के बाद तुम्हारा अच्छा काल है यार, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। अकेले आए हो क्या? जैसे कहा लेकर आया हूँ। कहाँ है वो? मेरे पीछे खड़ी है। तेरे पीछे रह के उसका क्या काम है? उसे आगे भेज, पकड़, बस करो, जाओ। देखो मैं बुलाऊंगा तभी आना। ओके बॉस। चला ये क्या मस्त बाल है। धनपाल, औरत एक ऐसी चीज होती है उसके कमर पे देखते ही पता चलेगा, और वो कितना उड़ सकती है।
थोड़ा सीना को देखो तो मालूम चलेगा। अच्छी लड़की है ना? इसमें क्या शक है? बहुत सुंदर लड़की है। आजकल के लड़के तो कोई छोड़ेंगे भी नहीं। आप जैसे बड़े लोगों को सौंपने के लिए ही मैंने इसे दुनिया से बचा के रखा है। इसको अपने पलकों पे बैठा के रखा है। अब ये बड़ी हो गई है। अरे पुराने, अरे नए वाले, सब इधर आओ तो सही। आओ। हाँ आ रही हूँ। हाय हाय, प्यारी प्यारी लड़कियाँ, कपड़े सुखाने को रखे हैं क्या? इसे अच्छी तरह से तैयारी करके मेरे रूम में भेज देना। अच्छे से या पूरे से? अच्छा। कस्तूरी आओ ना। बेटी? मुझे भी एक बेटी है। माँ जी, इसको अच्छे से सजा लो, तभी साहब आके अच्छे से पूजा करेंगे। जी हाँ जी, तुम जाने कब वाली हो? अभी। हाँ जाओ साहब जी। आपने जो पैसे दिए, हम पांच लोगों को काफी नहीं होगा। पांच लोग? हाँ, साला कुत्ता, कमीना, लड़की बास, पॉकेट मार, सब मैं ही हूँ। वो तो तुम ही हो। जी हाँ, आपने जो पैसे दिए हैं, ये पांच काम करने के लिए काफी नहीं होगा। वो बैलेंस 20,000 रुपए देंगे तो सहूलियत हो जाएगी। थोड़ा टाइम दे दो, अभी बैठ के पियो। प्रमिला, अभी तो हमारे लिए रेस्ट है, अगली वाली आने तक तुम्हारे लिए खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। दरवाजा खोलते ही सामने है। अभी आती हूँ। एकदम गांव की रफ एंड टफ है वो। तुम्हें कोई रफ नहीं है, मुझे कोई टफ नहीं है। नोटों के आगे गांव का क्या, सारे हिल जाएंगे। प्यारी कस्तूरी, जहाँ भी हो तुम नीचे दिए हुए पते पर आ जाओ, नहीं तो नीचे दिए हुए फोन नंबर पर बात करो। तुरंत बात करना। तुम्हारी प्यारी रत्नम। मैं अभी आ जाती हूँ। पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके 2 दिन हो गया है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टेंशन मत लो, वो पता नहीं कहाँ पे है, उसको पेपर मिला की भी नहीं पता। सुनिए, मैं मंदिर जाकर बहन के नाम पर अर्चना करके आती हूँ। रुक, आपको पुलिस स्टेशन जाके कुछ पूछना था? हाँ सर। इनके साथ जाइए। आइए चलते हैं, जाकर आती हूँ। ठीक है। वो लड़की लापता है, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आती? नहीं दिख रही है, वो बोलने वाले हो ना? आप परेशान मत होइए, आज रात तक उस लड़की को मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। बातें मत करो तुम, कोई भी हालत में उसे इधर लेके आओ। चल यहाँ से जा। जी साहब जी। अरे कुछ पता ही नहीं चला कहाँ चले गई मुझे छोड़ के। गाड़ी रोक, वो वहां पे है। थोड़ी देर रुकते हैं, मंदिर जाने के बाद उसे उठा लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कोई बचा लो। अरे मैडम को छोड़ो मुझे। छोड़ो तुम लोग। कौन है आप लोग? सुनो, कहाँ है तू? हे
तुम कहाँ चले गए? सब लोग मिलकर मुझे अच्छी तरह पानी पिला रहे हैं। आके बहुत देर हो गया। कौन है तू? तुम क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तू क्यों ऐसे चले गए? तू मुझे मेरी देवता मिल गई सर। अभी मेरी मन की सारी भार दूर हो गया है। पूरा मेरे पीठ पे आ गया है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, तेरे लिए सब अच्छा है। उतारना मत, उतारना मत। रखो, मेरे फोटो तुम्हारे हाथ में कैसे आया? वो तेरा फोटो नहीं है, तेरे दीदी का फोटो है। दीदी का? मुझे एक दीदी भी है। वो मेरी तरह दिखती है? हाँ, तेरे ही जैसी दिखती है वो भी। तू ही देख ले। कहाँ पे? यहाँ। हाय, दया रे दया, मेरी ही तरह दिखती है। तुम दोनों जुड़वे बहन हो। सीता गीता जैसे सिनेमा वाली। अयो, कितनी सुंदर दिखती है ना मेरी दीदी। पहले मेरी दीदी को बुलाना, देखना है। तेरे नाम पे पूजा करने के लिए वो मंदिर गई है। मेरे पर इतना प्यार है तो चलो ना मंदिर चलते हैं। अरे रुको, अभी वापस आ जाएगी वो। तुझे कुछ पता है, ये धनपाल तेरा भाई नहीं है। वो इंसान ही नहीं है, कुत्ता साला। वो सब बाद में बताती हूँ। अरे मैं एक थप्पड़ दिया था ना, वो यही है ना? हाँ। ओ भगवान, अब क्या करेंगे? जाके माफी मांग ले। हाँ, दीदी के बदले में एक दिन लगा दिया तुझे ना। ठीक है ठीक है। कहाँ गए हो? जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। क्यों छुपा रहे हो? ठंड लग रही है क्या? इस घर में कदम रखते ही ठंड गायब हो जाएगी। मैं डांटूंगा सोच के तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारे जैसा सुंदर लड़की थोड़ा भी गलती कर दे, मैं तुरंत माफ कर दूंगा, क्योंकि मैं सुंदरता का सेवक हूँ। एक छोटी सी बात। वो क्या है? बाकी 20,000 रुपए देंगे तो सहूलियत हो जाएगी। अब तक तो कुछ किया ही नहीं। आज भी? अरे इसीलिए मैंने पहले कहा था, दारू ज्यादा मत पियो, बॉडी थोड़ा वीक हो जाएगा। मुझ में क्या कमी है? आपको हाथों में बहुत ताकत है। मुझे देखते ही तुम्हारी बहन बेहोश हो गई। आपको देखते ही? क्यों, आप शेर की तरह गए थे क्या? नहीं नहीं, अकेले ही गया था। ये सफारी पहन के अंदर गया था मैं, उसके कंधे पे हाथ लगाया, ऐसे ही गिर गई। डॉक्टर चेक कर रहे हैं। अकेले? अरे क्या यार, डॉक्टर उसे कब तैयार करेगी, उसके बाद आप कब तैयार होंगे, उसके बाद वो कब तैयार होगी, तब तक मेरे पैसे का क्या होने वाला है? परेशान मत हो, सवेरे पैसे लेके चले जाओ, तब तक आराम कर। रात भर चलेगा क्या टेस्टिंग? अंदर जो है वो अच्छा आदमी है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कैसी है वो? प्रेग्नेंट है। ये मुझे पता नहीं था सब। 2 महीने के बाद सबको पता ही चल जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू। इसका मुझे कुछ पता नहीं था सर। गर्भवती महिला को लेके आता और हमें उल्लू बनाता है। नहीं साहब जी, साले तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। साले तेरे को छोड़ता नहीं मैं। साहब जी, मेरा भरोसा करो, अगर डॉक्टर ने जो कहा वो सही है तो उसने मुझे धोखा दिया है।
एक ही मिनट टाइम दीजिए, मैं अभी आता हूँ। ए, इतनी हिम्मत तुझे कि तूने उस बैलून वाले के साथ रासलीला मना लिया? चल मेरे साथ। चल। शादी के बगैर बच्चा रख लिया तूने पेट में? तेरी तो हाथ फैला के जो मैंने पैसे मांगे हैं इनके सामने मेरा सर झुक गया। ये कहां से आया मंगलसूत्र है? नहीं नहीं ऐसे मत करना, ये मेरे पति का है, ऐसे मत करना। आप जो सोच रहे हैं और मैं नहीं हूँ, मैं ललिता हूँ। क्या ललिता? कस्तूरी बोला था ना? मैं और मेरी बहन कस्तूरी जुड़वा है। जब वो 4 साल की थी वो खो गई थी। रत्नम नामक एक आदमी से पता चला है कि मेरी बहन जिंदा है, वो भी कुछ दिन पहले ही मालूम हुआ। साहब जी। अरे क्या हुआ? अरे रे माँ जी, आप कैसे उन लोगों से बच के यहाँ पर आ गई? मनी, ये ललिता मैडम नहीं है, उनकी बहन है। ललिता मैडम कहाँ है? साहब जी, मंदिर से पूजा करके निकलते वक्त पता नहीं कौन कार में आए और माँ जी को जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। मैंने बहुत कोशिश की साहब जी, मुझसे नहीं हुआ, उठा के लेके गए साहब जी। जीजा जी, अब मुझे समझ में आया, मुझे समझ कर मेरी दीदी को लेके गया है, वो लोग मेरे लिए आए थे। तुम्हें समझ के उसे? हाँ, जो आपने मुझे समझा वो ऐसा ही है। चलो चलते हैं। मनी, पहले डॉक्टर से मिल लेना, उसके बाद घर देख लेना। जी। हेलो, रविशंकर है क्या? जी नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। बाहर यानी अपनी बीवी को ढूंढते हुए निकले हैं क्या? हाँ जी, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। आओ यहाँ पे है। अरे रे, ये क्या है सर? यहाँ पे तो कोई नहीं है। कहाँ चले गए होंगे? सुनिए, इधर आइए तो, यहाँ देखो ना। मैं मेरी दीदी से मिल नहीं सकती, लगता है उन लोगों ने उसे मार दिया है। मुझे डर लग रहा है। हेलो, रविशंकर है क्या? हाँ यही है, आप कौन हो? उसको फोन दे तू। सर, फोन आपके लिए है। हेलो, मैं रविशंकर बोल रहा हूँ। तुम्हारी गर्भिणी पत्नी मेरे पास है, मेरी लड़की कस्तूरी तुम्हारे पास है। कस्तूरी अगर मेरे जगह पर पहुंच जाती है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। क्यों, कैसी लगी? कौन हो तुम, कहाँ से बात कर रहे हो? गलत सवाल पूछ रहे हो, कस्तूरी को कहाँ भेजना है ये पूछो। ठीक है, कहाँ पे बोल? थोड़ी देर में एक कार वहाँ पर आएगी, उसमें कस्तूरी को बैठा के उस कार को तुम फॉलो करते हुए आओगे। हमारी गाड़ी एक जगह रुकेगी, तुम भी वहीं पर रुक जाओगे। कस्तूरी मेरे पास पहुंच जाएगी, तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। अगर तुम मेरी बात ना मान के होशियारी दिखाते हो, तुम्हारा होने वाला बच्चा नहीं रहेगा, पति बुलाने के लिए पत्नी भी नहीं रहेगी। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी ठीक तो होंगे ना? उसे कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। इतनी देर तक क्या बोल रहे थे सर? जैसा हम डरे वैसे ही। ब्लैकमेल,
अभी थोड़ी देर में कस्तूरी यहाँ पहुँच जाएगी। आप उसके गले में मंगलसूत्र बांध देना। मंगलसूत्र? उसी के गले में ही तो पड़ा रहेगा। आप बिल्कुल आराम से खेलते फिरते रहिएगा। आपने अगर मंगलसूत्र बांध लिया, कस्तूरी आपके इर्द गिर्द ही रहेगी। शराबी की तरह हमें धोखा देने वाले लड़की को जिंदगी भर सजा देने के लिए सोची हाँ है क्या? जी सर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी लटका लटका के बड़ा किया उस बच्ची को। लटकाने का मन नहीं किया मेरा बिल्कुल भी। अच्छा दिल है तुम्हारा। आप दोनों बहुत मुसीबत झेले हैं, बहुत साल बिछड़े हुए थे, अभी तो मिले हैं, इसलिए कस्तूरी वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं। आपका मालूम नहीं, वो माँ बनने वाली जानकर भी वो उसे मार देंगे, मुझे अच्छी तरह मालूम है। मुसीबत में रही उसकी बीवी को बचाना उसका पति का धर्म है। तुम लोग दोनों यहाँ से जाकर खुशी से रहना। ये आप क्या बोल रहे सर, हम सब एक है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? रत्न चलो गाड़ी में बैठो। AAG 3292। जल्दी जल्दी चल। स्वामी जी, अगर हम लोग जलाएं तो जलेगा जला क्या? सकता है। घूर रही है तू है? कैसी हिम्मत हुई तेरी कि हम सबको चूना लगा के भाग गए यहाँ से? तुझे कैसे वापस लेकर आए देखा तूने? तुम कहाँ लेके आई? मैं खुद आई हूँ यहाँ पे, मेरी दीदी से मिलने की इच्छा थी मुझे। दूध उबल रहा है क्या? 4 साल के बच्चे से ही हमको अलग कर दिया। छोटी बच्ची थी, रोते रह गई होंगी। इतनी छोटी उम्र में क्यों ऐसे अलग कर दिया हमको? सेंटिमेंटल हो रही हो अभी क्या? तुम्हारी बहन को देखना क्या? जितना चाहिए देख लो, चल मेरे साथ। अंदर आ। दीदी। माँ बनने वाले एक लड़की को ऐसे सता दे है क्या? तुम्हें अपनी बहन को देखना था इसलिए लेकर आया, गले मिलने को तो नहीं कहा तुमने? हिसाब को देखकर मैं ऐसे रुक जाऊंगी, समझा है तू? नहीं कस्तूरी, मत आ, मत आ मेरे पास, नहीं आऊं, अभी नहीं आऊं तो। अपनी बहन को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने आप को सांप जी के हवाले सौंप दो, ये मैंने पहले ही कहा था। उस बड़े आदमी से तुम्हें शादी करना होगा। ना कह दो कस्तूरी, ऐसे मत करो। अरे बोल के तो देख। एक ही तीली, यहाँ पे जो पेट्रोल की डिब्बिया है वो जलने में टाइम नहीं लगाएंगी। बांधी हुई तुम्हारी बहन जल के भुन जाएगी। कोई परवाह नहीं है कस्तूरी, मेरे बारे में कुछ मत सोचो, तेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। इस शादी को मत मारो।
मेरे लिए अपने जिंदगी देने के लिए तैयार हो, उसके बाद मैं कैसे जी सकती हूँ दीदी? तेरे लिए उस आदमी से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। कस्तूरी, ये देख, जैसे ही मेरी शादी हो जाती है इनको उनके पति से मिला दोगे, उसके बाद कुछ खेल खिलाना। जिसके लिए एक बच्ची को इतना पाला पोसा, जब वो मौका आता है तो मैं और कोई तकलीफ थोड़ी ना दूंगा। सर्व मंगल मांगल्य सर्वे सर्वार्थ साधके। अरे पंडित, कितनी देर मंगलसूत्र अपने ही हाथों में रखेगा, उनको देना। ये कौन है, गुंडों की तरह बात कर रहा? तो मैं ये क्या बोल रहा है, चुप रहो रे। मांगल्यम दंदुनाने नाम मम जीवन गेदुना कंडे बदना। तेरी तो मैं जिसने खोदा है वो खुद वो कुएं में गिरेगा, कभी सुना ऐसे? उन्होंने मुझे इतने साल से पाला पोसा, इतने दिन तक मुझे एक बच्ची तरह पाला है मुझे। हमेशा के लिए आप मेरी बाई है। कस्तूरी, मुझे माफ कर दो। कस्तूरी, हम बहुत साल से अलग थे, अब से तुम और तुम्हारे पति मेरे घर में रहना। आप तो बोल रहे हैं आपके पति कुछ नहीं बोल रहे ना? मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे ऐतराज है। आप दोनों एक जैसे दिखते हैं, जितने परेशानी उसके वजह से वही काफी है, रात को वही परेशानी हम दोनों को हो जाए तो क्या बात कर रहे हैं।